हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ओके, तो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए आप स्ट्रक्चर, ये है ब्रेन और ये है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, और दोनों को कंबाइंडली कहते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, तो यहाँ जो भी नर्व्स जो ब्रेन से निकलती है उसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। ओके, जो कि 12 होती है, और जो भी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, ओके, उसे हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ओके, जो कि 31 होती है। ओके, तो ये क्रेनियल नर्व्स हो गई, ये स्पाइनल नर्व हो गई। ओके, जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो हमारी स्पाइनल सेगमेंट से बनता है, स्पाइनल नर्व्स के सेगमेंट से। ओके, यहाँ पर जो सेगमेंट है हमारा, जो होता है हमारा C5 से लेके तो T1 तक। ओके, तो C5 से T1 जो है हमारा रूट होता है, तो इसी के जो प्राइमरी रेमाई है उसी से हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस बनता है। तो आगे हम देखते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है, कैसे बनता है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे C5, C6, C7, C8 और T1। ओके, इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि ये रूट है, तो सबकी एक एक रूट निकलेगी C7, C8, T1। ओके, तो ये हो गया हमारा रूट, तो ये हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस का रूट हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद जो ये C5 है हमारा, ये C6 के साथ कंबाइंड हो जाएगा। ओके, ये कंबाइंड हुआ, आगे बढ़ गया। फिर जो नीचे C8 है वो T1 के साथ कंबाइंड हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, और C7 जो है ये अकेला है, ये सिंगल ही रहेगा, तो ये भी सिंगल आगे बढ़ जाएगा। ओके, तो ये जो तीन है, अब ये जो तीन नर्व्स आगे बढ़ी है इन पांच रूट से, इन्हें हम कहेंगे ट्रंक। ओके, तो रूट से हमारा बना है ट्रंक। ओके, तो 1, 2, 3 इसके हम नाम नाम रहेगा इसका, ऊपर वाले का रहेगा अपर ट्रंक, बीच वाले का मिडिल ट्रंक, और सबसे नीचे वाले का रहेगा लोअर ट्रंक। तो इस तरह रूट से ट्रंक बन गए। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे इन ट्रंक से डिवीजन बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि हर ट्रंक से दो डिवीजन बनेंगे, एक अपर और एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। ओके, तो ये अपर ट्रंक से एक एंटीरियर बना और ये एक पोस्टीरियर बना। ओके, इसी तरह मिडिल से एक एंटीरियर और एक आपका पोस्टीरियर, उसी तरह लेटरल से आपका एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। ओके, तो ये हो गया हमारा यहां पर डिवीजन। ओके, इस तरह रूट से ट्रंक, ट्रंक से डिवीजन बना। ओके, अब डिवीजन के बाद अब क्या होगा, तो जो जो तीनों ये पोस्टीरियर जो डिवीजन है हमारे, ये आगे चल के कंबाइंड हो जाएंगे। ओके, तो तीनों को हमने आगे चल के कंबाइंड कर दिया है और इन्होंने बनाया है एक कॉर्ड, इसको हमने कहा पोस्टीरियर कॉर्ड, क्योंकि ये पोस्टीरियर डिवीजन से बन रहे हैं तीनों, आगे जाके कंबाइंड हो रहे हैं, इसलिए ये पोस्टीरियर कॉर्ड बन गया। ओके, और जो ऊपर वाले दो एंटीरियर डिवीजन है हमारे, ये आगे चल के एक और कॉर्ड बनाते हैं, ये दोनों आगे कंबाइंड हो जाते हैं और ये आपका बनाएंगे लेटरल कॉर्ड। ओके, अब बचा हमारा है सिर्फ नीचे वाला, तो ये अकेला सिंगल रहेगा और ये आगे जाके बनाएगा मीडियल कॉर्ड। तो लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड। ओके, तो ये हमारा हो गया, इस तरह डिवीजन से हमारा बन गया कॉर्ड। ओके, अभी आगे चलते हैं, अभी आगे हमको देखना है ब्रांच। ओके, कि इनकी ब्रांच कैसे बनती है। तो ब्रांच के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि ब्रांच किस तरह बन रही है। तो जो हमारा लेटरल कॉर्ड है इसके लिए हम याद रखेंगे LML। ओके, ये ट्रिक है।
जो पोस्टीरियर कॉर्ड है इसके लिए आपको याद रखना है अल्नार, जो हमारी नर्व होती है एक और बोन भी होती है अल्ना, उसी तरह से अल्नार याद रखना है आपको। और मिडियल कॉर्ड के लिए आपको याद रखना है M4U। ओके, तो LML से हमारा सबसे पहला बनेगा लेटरल पेक्टोरल नर्व। ओके, एम से हमारा हो जाएगा मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। ओके, और लास्ट वाला जो एल है उससे हमारा हो जाएगा लेटरल रूट ऑफ मेडियन नर्व। ओके, तो ये तीनों हो गए हमारे LML। ठीक है, उसके बाद अल्नार देखते हैं कि अल्नार से क्या है। तो अल्नार से आपका सबसे पहला बनेगा अपर सब स्केपुलर नर्व, एल से आपका रहेगा लोअर सब स्केपुलर नर्व। ओके, एन से रहेगा आपका नर्व्स टू लेटिसिमस डॉर्साई। ओके, लेटिसिमस डॉर्साई आपका मसल से जो बैक साइड में होता है। ए से आपका बनेगा एक्सिलरी नर्व। ओके, और आर से बनेगा रेडियल नर्व। तो ये आपकी सारी हो गई ब्रांचेस पोस्टीरियर कॉर्ड की। ये आपकी लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस है, ये पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस हो गई। तो अल्नार से आपको ये पांचों के नाम याद रखना है। M4U, तो चार M है इसमें और एक अकेला U है। तो M से क्या क्या है, तो हमने यहाँ देखा था लेटरल पेक्टोरल नर्व, तो यहाँ पे हो जाएगा मीडियल पेक्टोरल नर्व। ओके, उसके बाद लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, तो यहाँ पे हो जाएगा मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व। ओके, अभी दो एम और बाकी हैं, तो दो एम जो अब आने वाले हैं वो है हमारा मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और फिर सेम मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, और लास्ट जो यू है उससे हमारा बनेगा अल्नार नर्व। तो ये पांचों हो जाएगी आपकी ब्रांचेस मीडियल कॉर्ड की। तो ये हमारी सारी हो गई ब्रांचेस। ओके, तो इस तरह आपका रूट से ट्रंक, ट्रंक से डिवीजन, डिवीजन से कॉर्ड और कॉर्ड से ब्रांचेस बनी। ओके, तो ये सिंपल सा फंडा है आपका ब्रेकियल प्लेक्सस बनाने का, जिससे आप इजीली याद रख सकते हैं। आपको यहाँ पर जो जो कॉर्ड दिए हैं लेटरल पोस्टीरियर और मीडियल, इससे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आपका पार्ट है आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इस जगह से निकल रहा है आपकी बॉडी में और इस तरह से जा रहा है आपके ब्रेकियम में, ब्रेकियम जो कि हाथ को बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से ये पूरे हाथ को सप्लाई दे रहा है। ओके, तो यही है आपका ब्रेकियल प्लेक्सस। जो इधर साइड जो है वो लेटरल कॉर्ड रहेगी, पीछे साइड जो है वो पोस्टीरियर, और जो मीडियल साइड है वो मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस है। तो ये ब्रांचेस इस तरह से हाथ में जा रही है। ओके, तो यही था हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।